रेडियम पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगे आपको मेला देखे, आपने झांकियां देखी? बस मेला देख रहे बिल्कुल ऐसा लग रहा है और जो चीज देख रहे हम असली तो पहुंच गए जी। और भाइयों से आज मुलाकात हुई है, जो अपने गोत्र भाई हैं, देशवाल भी हैं, दलाल भी है, सहवाग भी है, चारों गोत्र और आसपास के गांव के काफी लोग हैं। कबलाना से सरपंच आपके साथ और काफी सहयोगी आपके साथ हैं। कैसा नजारा, कैसी खुशी लग रही है आज? कुछ अलग ही खुशी, भाइयों के साथ आने बात तो अपने आप बताने वो बचता ही नहीं क्या बचे, जो भाइयों आने बात तो सब कुछ आदमी भूल जाता है ना क्या बोल रहा है जी। आपका बहुत भाइयों मारे हैं अपने और भाइयों के साथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं मेले का नजारा देख रहे हैं और कितना अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। पहली बात तो किसको ऑर्गेनाइज जो किया है वो सबसे बड़ी चीज है जी। मेला लगाना और उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको चलाना सही तरीके से, तो मोनू भाई ने खूब लगा रखा है। सबसे पहले मैं जो 237वां जो कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी व्यूअर्स को आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं हर घर में खुशहाली आए। भगवान कृष्ण इसी तरह दुष्टों को राक्षसों का नरसंहार करते रहे, पाप को खत्म करते रहे, धर्म की सच्चाई की जय होती रहे और हमारे बारे गांव का जो जो सरदारी है मेरा गांव, इसमें हमारे भाई इंद्रजीत का पुतले पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमने घूम के देखा बिल्कुल जो प्रकृति का जो रूप बनाया हुआ है, जो बाल कलाकार है उनने बड़ी बढ़िया झांकियां निकाली है वो भी देखा हमने। हम दोबारा से जन्माष्टमी पर हम आपके व्यूअर्स को शुभकामनाएं देते हैं जी। आज ये शहरी समागम कृष्ण आज मनाया गया, बहुत ही अच्छा लगा और मेरे बड़े भाई इंद्रजीत सुहाग हमारे बीच पहुंचे हैं और ये इनका ही गाँव है, क्योंकि देशवाल मान सुहाग दलाल और हमारा भाई अर्षे सरपंच हमारे बीच पहुंचा है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा मेला मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा, धन्यवाद। जन्माष्टमी की सबसे पहले तो आपके माध्यम से भाई मैं आपके सभी व्यूअर्स को और पूरे प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज यहाँ पे जन्माष्टमी का कार्यक्रम मेला का आयोजन था और यहाँ के सरपंच दुलेड़ा सरपंच ने मोनू हमारा भाई है, बहुत पुराना साथी है, उसने मुझे आमंत्रित किया था और मैं आके यहाँ पे देख के मुझे बहुत ही खुशी और हैरानी हुई कि इतना बढ़िया आयोजन, मेरी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा, मैंने आज तक किसी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा आयोजन नहीं देखा। और सब गांव वालों को और सब सरपंचों को इससे सीख लेनी चाहिए और सारे गांव के छोटे से बड़े बच्चे सब इसके अंदर झांकियों में अपना रोल अदा कर रहे हैं बहुत ही सिंसियरिटी से। ये बहुत ही जो है एक इंस्पिरेशनल है जी। बच्चों के लिए जो प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए कोई तोहफा देने वाला, हम भी स्टेज पर आपको सुन रहे थे अभी, तो किस तरह का तोहफा होगा जो बच्चे यहाँ प्रोग्राम में रोल ले रहे हैं? देखो छोटे बच्चों को आप कुछ भी दे दो जी, लेकिन अगर उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है तो उनको संस्कार जो दिए जा रहे हैं बिल्कुल, तो उनको ज्ञान। मैं उन बच्चों की मैंने लिस्ट मांगी है, सैकड़ों बच्चे हैं, उन सैकड़ों बच्चों की आयु के हिसाब से वो कौन सी क्लास में है उनके हिसाब से मैं पर्सनली वो बुक्स छाटूंगा जो उनको जीवन का एक आगे उनके काम आए, एक उद्देश्य दें, उनको जीवन में सफल बनाए, संस्कारी बनाए, ऐसी किताबें मैं उनको घर तक पहुंचाऊंगा जी। भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात की, जो भगवान का रूप ले रखा है जिन बच्चों ने उनके लिए संस्कारी चीज़ चाहिए और भाई साहब ने देने का वादा किया है और कहीं ना कहीं भगवान के रूप में इनको आशीर्वाद जरूर मिलेगा चुनाव के अंदर। तो भाई वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना और सभी भाइयों को नमस्ते, नमस्कार भाई साहब। बताया गया कि एक महीने से इस चीज की तैयारी चल रही, ये एक चीज ऐसी थी जिसमें हरियाणा बहुत पिछड़ा हुआ था, हम कला में संस्कृति में हमारी प्रायोरिटी नहीं रही। कारण क्या रहा कि भाई दिल्ली के तीन तरफ धाम हो गई और महाभारत का टाइम तो ले गया, ईब ताई ले लो, जितने भी लठ बाजे वो दिल्ली है बबाजे, दिल्ली की गद्दी पे बाजे, तो हमने कदे लठ ठान कर धरणते फुर्सत नहीं। तो ये गाय कलाकार है, पार्टी है इनके लिए। मिंटू ठेकेदार, भाई देखिए नहीं ठाकुर कौन सा है वाला, बहुत बहुत धन्यवाद।
और 500 रुपए पार्टी के भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो दूसरा भी सुनील आ गया भाई, पहलवान बद्दू, बद्दू तो क्या कहूंगा, सुनील कहते बद्दू पहलवान। संजू की छह आ जा सुनील, संदीप, संदीप धारेगा बिना हुआ 31 का जकरा सुना था, लेकिन 41 लाख रुपए, क्योंकि फिर उसके बाद टाइलें और लगवाई, तो 41 लाख रुपए से वो हॉल का निर्माण कर रहा था, तो इनका इनका भी स्वागत जो है हमारा ट्रस्ट कर रहा है। और गांव भंडारा भी 18 गांव का भंडारा किया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, इस पूरे गांव राम ने हाथ जोड़कर राम राम, और सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली बात तो ये इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, इससे ज़्यादा अपने ब्लॉक में देखा नहीं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रखा है। इसके तहत खुश होकर ना हम यहाँ पे मंदिर में 11 लाख रुपये टीन सेट कराएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रखा है, पूरा गांव एकजुट हो जाए। ये सामूहिक प्रोग्राम है, सामाजिक प्रोग्राम है, उसके लिए हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं दुलेडी गांव की, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर ये बहुत ही शुभ अवसर है, और इस गांव में दुल्हेड़े में ये जो है 37 साल से मनाया जा, ये 37वां है मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं सभी गांव वासियों को, आसपास के गांव वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, और बधाई भी देता हूं कि वो हमेशा दिल बढ़ चढ़ के ऐसे कामों में हिस्सा लेते रहें और इसको देखने के लिए आते रहें, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है ना बहुत बड़े कलाकार हैं। आपने ये झांकियाँ भी देखी होंगी, उनमें छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना बड़ा अच्छा रोल कर रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं उन सभी बच्चों को, और जिन्होंने ये कार्य किया है, जिस कार्य में ये 3-4 दिन से लगे हुए हैं, यह पार्टी जो शिवालय का प्रधान है उसको, और जो इसके साथ में जुड़े हुए हैं, मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो हमेशा खुश रहें, और जो है पढ़ लिख के वो बच्चे खेल कूद के जो है क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें, ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज दुलेड़े के अंदर जो ये भव्य समारोह हो रहा है जन्माष्टमी के ऊपर, इस उपलक्ष्य में सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। और जो मेन बात इनकी ये है, जो कमेटी बनी हुई है जो हर साल बढ़ चढ़ कर मतलब हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं, और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आरती सवा 12 बजे जय भाई, वो दे आगे कर फोटो उतार भाई, हो गया जी, खटका भी तो दाब है, एक बार फिर दाब भाई, हो गया जी, हो गया, बहुत बढ़िया फोटो आ गया भाई। ले भाई फिर कमेटी की तरफ से सारे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इतना सहयोग दिया और इतना अच्छा प्रोग्राम आया। और ये स्वागत हमारा नहीं है जी, हमारे कमेटी में जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने दिन रात लग के मेहनत करी है, पूरा समय लगाया है, हो भी नहीं पाए बेचारे, उनका सबका सम्मान है ये, धन्यवाद। सबसे पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान उनको घर में खुशहाली रखे, अच्छा स्वास्थ्य रहे, यही मंगल कामना के साथ पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, और मेरे गांव के वासियों को, सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। Oh, my God.
जुगला के परिवार से भाई साहब 100 रुपये और दे रहे हैं और 100 रुपये ना और दे रहा है भाई साहब का धन्यवाद। राम राम भाई सारे ने, मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल अपने गाँव दुलेड़ा में। हाँ भाई, हमारे गुरुजी खड़े हमारे बीच में। नमस्कार गुरुजी। जी गुरुजी, आज 37वां जन्माष्टमी त्यौहार मनाया गया दुलेड़ा के अंदर, कितना अच्छा लगा है भाई? ये तो जान से भी ज़्यादा अच्छा लगा हमें, क्योंकि अब ये प्रोग्राम ऐसी जगह पहुँच गया कि जो आस पास के इतनी बड़ी भीड़, इतने सेवक जो भगवान के दर्शन के लिए यहाँ साक्षात भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, एक एक सेवक मेरे से मिला और वो कहने लगा जी ये तो साक्षात्कार हो गया भगवान का, यहाँ इतनी अच्छी अच्छी बच्चों ने जीवंत झांकियाँ बनाई। और इसके आपके चैनल के कभी जो हर साल यहाँ आके इंटरव्यू लेता है और जो मदद करता है जो इस झांकियों के बारे में लोगों को जो नहीं आ पाते वहाँ तक खबरें पहुँचाता है, इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा इस कमेटी को, जो इतना अच्छा प्रबंध था, जो हमारी मातृशक्ति थी, बहन बेटी थी, बिल्कुल सुरक्षित रही है। यहाँ पर मेला देखना हुआ है, आसपास के गाँव के भी कई महिलाएँ आती हैं और बड़े अच्छे स्वभाव से आज हमने पूछा है कई बहन बेटियों से, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और प्रशासन भी बिल्कुल सख्त था यहाँ पर और ऐसी तैयारियाँ थी, बहुत ही अच्छी तैयारियाँ थी। प्रिंस भाई का हम धन्यवाद करते हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम कराया था। दो बात करते हैं प्रिंस भाई से। नमस्कार भाई सर। नमस्कार दिनेश भाई, सबसे पहले शिव मंदिर धर्माश ट्रस्ट दुलेड़ा की तरफ से आपके चैनल को सागर खेड़का को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आप इतना फील्ड में जाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी खबरें लोगों तक पहुँचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में जब हम बहुत छोटे थे बचपन में, तब से हम ये चीज़ें देख रहे हैं और 37वां ये प्रोग्राम है और अपने मुंह से खुद बड़ाई ना करके एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे अतिथि आते हैं, जो भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि हमें इतनी दुनिया जहाँ में हम घूम लिए, ऐसा प्रोग्राम और ऐसे साक्षात झांकियाँ हमें कहीं देखने को नहीं मिली और यही सुन के हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कई स्कूलों के बच्चे थे, जो आसपास के स्कूल हैं सबके लिए छूट है, कोई भी बच्चा आगे अपना प्रोग्राम तय कर सकता है, यहाँ पे इनसे मिल सकता है कमेटी वालों से। जितेंद्र मास्टर जी से बात करेंगे। मास्टर जी नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। ये हमारा 37वां प्रोग्राम था शिव मंदिर ट्रस्ट कमेटी दुलेड़ा की तरफ से, आपसी सहयोग मिलता है गांव गवांड का, भाईचारे का, सभी मिलजुल के सहयोग करते हैं, जब जाके हमारी ये बाजुए मजबूत होती है और ये प्रोग्राम हम करते हैं। ये एक जीती जागती झाक, यहाँ कोई कठपुतली नहीं है, अगले हमने कोई खिलौना यहाँ खड़ा कर दिया है, ये सब एक जीती जागती बच्चों की झाकियाँ हम बनाते हैं, बिल्कुल जैसे कि हम मथुरा में जाते हैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ जाने में व्यवस्था ज़्यादा होती है, तो यहाँ हमने एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है आसपास गवांड के, यहाँ इन झांकियों को देख के अपना व्रत खोलते हैं, चरणाव्रत का प्रसाद लेते हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था, प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जैसे हमारा आपसी भाईचारा शो करता है वैसे हमारी कमेटी मजबूत होती जा रही है और प्रोग्राम को आगे बढ़ाती जा रही है। बिल्कुल सही बात की है जितेंद्र मास्टर जी ने, और हमारे गुरु जी हैं सबसे सीनियर है यहाँ पर, जो हम छोटे छोटे थे जब से देख रहे हैं बच्चों को कैसी वेशभूषा में तैयार करते हैं। बात करें गुरु जी से, गुरु जी एक बार झांकियों के बारे में बताओ, कितनी झांकियाँ थी और क्या क्या रोल थे? अब की बार 21 झांकियाँ थी, लगभग 21-22 झांकियाँ हर साल होती हैं और इन झांकियों में जो रोल लेने वाले बच्चे थे वो कई दिन से, जैसे उनको एक उत्साह होता है ना, उमंग होती है दिवाली के त्यौहार की, इसी तरह से इस त्यौहार की इतनी भारी उमंग थी कि बार बार वो इस बात के लिए कहते रहे। सबसे पहले आगे जो मेन गेट पर हमारी वो गणेश और शिव परिवार था और उसके बाद यहाँ लड्डू गोपाल जो हर साल कृष्ण जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में झूला झुलाया जाता है और झूले के लाभ से सब अपना जीवन सफल करते हैं। उसके बाद एक सबरी जो एक जीवंत झांकी थी, बहुत सुंदर झांकी बनाई गई थी मास्टर जितेंद्र जी द्वारा, और उसके बाद लक्ष्मी, हम भगवान विष्णु को सबसे पहले मानते हैं और वो झांकी हम हर साल जरूर बनाते हैं, और उसके बाद सरसैया पर लेते हुए विषम पिता में थे, उसके बाद कंस दरबार और इस तरह से जो झांकियाँ थी लगातार 21 झांकियाँ बढ़िया से बढ़िया, केवट आदि और हनुमान जी जो गोवर्धन पर्वत, अब की बार नई झांकी थी गोवर्धन पर्वत, और जो हनुमान जी थे वो लगभग
30 फुट पे लटके हुए थे, जो बिना किसी सहारे के ही ऐसी झांकी बनाई गई थी। और इस तरह से कृष्ण सुदामा, सुदामा जी के प्रेम में वो आए। और एक सबसे अच्छी झांकी थी हमारी सती की, जो बहुत पहले सती प्रथा हमारे देश में लागू थी, जो राजा राममोहन आदि जो समाज सुधारक थे उन्होंने ये ख़त्म की। वो सती प्रथा जो पहले थी, हमने एक सामाजिक उससे वो लेके और समाज की को बताया कि भाई पहले कैसे हमारी त्रुटि थी ये। तो इस तरह से आगे अभिमन्यु वध था और बहुत अच्छी झांकी हमारी खाटू श्याम जी की थी। और यमराज की जैसा आपने देखा वो तो कमाल की झांकी थी। तो सब ने बड़ा ही आनंद लिया इन जीवंत झांकियों का और सब ने बड़ी सराहना की है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कमेटी वालों का, जो इतना अच्छा दृश्य आज डिजिटल दुनिया में पुरानी चीज़ें दिखा रहे हो बच्चों को, कुछ ना कुछ यहाँ से शिक्षा मिल रही है गुरु जी बच्चों को और उनका टाइम भी पास हो रहा है। जो भर्ती थे, जो हमारी माताएं बहनें, जो हमारे दोस्त जो भर्ती थे, उनका भी अच्छा टाइम व्यतीत होता है इस दिन। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और कोई DSP रिटायरमेंट आ चुके हैं और वो भी इसमें एक कार्यरत हैं, अभी ये भी देखभाल कर रहे हैं लोगों की, ध्यान रखें, अलर्ट है प्रशासन अब की बार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया जी। तो DSP साहब आपकी बार मेरे को कुछ अलग से देखने में लिया, प्रशासन आपका बिल्कुल अलर्ट है यहाँ पे? प्रशासन तो पिछली बार में अलर्ट था जी। अच्छा अच्छा, तो उस चीज को देखते हुए सीपी जज्जा को पहले आपकी बार एप्लीकेशन दे दी गई थी। लगभग कितनी झांकियां आपकी बार? मेरे ख्याल से तो 20-25 के करीब झांकियां जी। तो सभी हर साल बढ़ती। सभी बच्चे आसपास के गाँव के हैं या बाहर? स्कूलों के बच्चे हैं, आसपास के हैं, और जिसका भी दिल करता है, जैसे हमारे को हाल है, अगर किसी का दिल करता है अपने बच्चे को लेकर यहाँ पार्टिसिपेट करवा सकता है। बिल्कुल, ये कोई फाउंडेशन नहीं कि दुलेड़ा में हमारी जो है बच्चे वो होंगे इसमें, कोई भी आ सकता है। और जो ड्रेस वगैरह है ये अपने आप खुद लेके आए या कमेटी की तरफ से? कमेटी भी देती है और खुद भी लेके आते हैं जी। तो माँ बाप कई बार होता है बच्चे अपने शौक के लिए अपने बच्चों को ड्रेस खरीद लेते हैं। हर साल के लिए कुछ ना कुछ नया होता है यहाँ पे। बिल्कुल, तो बहुत ही खुशी हुई हमें यहाँ देख के आपके माहौल को, बहुत ही अच्छा माहौल अब की बार। और आगे की प्रक्रिया हम आपको दिखाते रहेंगे जल्द से जल्द। काफी युवा साथी यहाँ पे बहुत मेहनत किए हुए हैं और काफी स्कूलों के बच्चे भी हैं, जो आसपास के प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल के भी होंगे शायद। हम बिल्कुल गर्ल्स स्कूल के, बॉयज के, स्कूल का पार्टिसिपेट करता है जी। उनके बच्चे पार्टिसिपेट करते, कोई वो नहीं भी यहाँ। हाँ, 36 बरादरी के लोग यहाँ एक वृंदावन की तरह शाम को दिखाई देगा आपको जी। आपने मंदिर देखा होगा दुलेरा में आसपास में। बिल्कुल, कितनी रौनक है आप जी। कमेटी है इतना ज्यादा, इस कमेटी के जो गांव के प्रधान है अमित, कमेटी के प्रधान है प्रियंश, बहुत मेहनत करके हर साल कुछ न कुछ ये इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं जी। तो लोगों में क्या मैसेज जाता है जन्माष्टमी के दिन जो हम जाके निकालते? भाईचारा बहुत बड़ी चीज है, सोचते भी इससे भाईचारा बढ़ता है। सीजन चला हुआ खेतों में काम करने का जी, तो लोग दो दो महीने हो जाते गाँव में रहते, एक दूसरे को मिल नहीं पाते। बिल्कुल, और ये एक ऐसा ओकेजन होता है कि सारे इकट्ठा मिल जाते हैं, पूरा बड़ा गांव है ना जी, तो उसमें बहुत अच्छा अजीब सा लगता है एकदम। इतने दिन के बाद जैसे बाहर से आए हो कहीं जी। तो युवाओं को कोई संदेश दिए इसके साथ? युवाओं को तो यही संदेश है, आप अपने ईमानदारी से अपनी जिंदगी में काम करते रहो, अपने बड़ों का आप आदर करो, छोटों से प्यार करो, और किसी भी तरफ बेईमानी की तरफ, आपने जो कमाया ना वो पैसा आपके पास आना चाहिए, बेईमानी का कोई पैसा आपके घर नहीं आएगा कभी भी, ये आप अपना एक उसूल बना दो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिनेश। और इधर देख सको मेरे पीछे शिव मंदिर है, काफी साल से यहाँ पे झांके निकाल जा रही है जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी की, और सारा मंदिर सजा रखा है। ये कुछ बच्चे जुड़ गए हमारे से, बहन जुड़ गई, बन राम राम। नमस्ते। कितना मजा आया? ये काफ़ी मज़ा आया सारा प्रोग्राम देख के, और काफ़ी खुशी हुई ये सब देख के कि कृष्ण भगवान जी के जन्मोत्सव का इतना अच्छा प्रोग्राम किया गया है जी। तो कौन कौन सी झांकी अच्छी लगी आपको, बढ़िया सुंदर झांकी कौन सी लगी? वैसे तो सारी लगी, बट जो कृष्ण जी का मंदिर सजा है वो सबसे प्यारा लगा, और बहुत ही अच्छा नज़ारा था, काफी अच्छा लगा वो देख के। अच्छा, तो ज्यादा भीड़ में कोई दुखी होने का काम तो नहीं था? नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं था, सब अच्छे से एंजॉय किया है। एंजॉय किया? हाँ। ये कौन कौन आपके साथ? आपकी मम्मी है? मम्मी है, भाभी आई है। नमस्ते जी। नमस्ते। कैसा लगा जी मेला? बहुत अच्छा लगता है यहाँ, और भी अच्छा होना चाहिए क्या? हाँ, और अच्छा होना चाहिए यहाँ पे। सुविधा कोई ऐसी लगी दिन? ज्यादातर अच्छी अच्छी हो रही है।
लिए इधर। हाँ जी, वाला बहुत बहुत धन्यवाद। और 500 रुपए पार्टी के भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो दूसरा भी सुनील आ गया भाई, पहलवान बद्दू, बद्दू लगे कहूंगा सुनील लगे बद्दू पहलवान। संजू की छह आ जा सुनील। संदीप, संदीप धारेगा बिना हुआ 31 का जकरा सुना था, लेकिन 41 लाख रुपए, क्योंकि फिर उसके बाद टाइलें और लगवाई, तो 41 लाख रुपए से वो हॉल का निर्माण कर रहा था। तो इनका इनका भी स्वागत जो है हमारा ट्रस्ट कर रहा है। और गांव भंडारा भी 18 गांव का भंडारा किया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखिए 5100 रुपए इस यज्ञ के अंदर आहुति डाल रहे हैं भाई साहब का। आज दिनेश मास्टर जी, क्या कहना चाहते हो, आप कमेटी के सेक्रेटरी हो, आज क्या कहना चाहते हो इस विषय में जो जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है? सर्वप्रथम तो स्वागत स्टूडियो दिनेश जी, आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई। हमारे यहाँ पर पिछले 37 सालों से 37वां शिव श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सुंदर आकर्षक मनोरम वो पौराणिक झांकियों को आपने और समस्त अतिथियों ने यहाँ पर अवलोकन किया, और उम्मीद है कि आप सबको बहुत बेहद पसंद आया होगा। और आपकी सजग और जागरूक पत्रकारिता के लिए स्थानीय समुदाय में जो आप विभिन्न कृतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हो, उसके लिए आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं, व भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।